वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप स्कीम से मुफ्त बिजली मिलेगी। इन लोगों को हर महीने 15 से 18 हजार रुपए की आय भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए भी बड़े निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि इस बजट से विकसित भारत की नींव रखी गई है। बजट में तकनीक में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए खास ऐलान किया गया है। युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए 50 साल तक के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान बजट में किया गया है। 1 लाख करोड़ का फंड इसके लिए बनाया जाएगा। बजट में घोषणा की गई है कि इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल करने के 10 दिन में ही रिफंड हो जाएगा। अगर टैक्स रिटर्न फाइल में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो बहुत जल्द ही लोगों को रिफंड मिल जाएगा। वहीं इनकम टैक्स बकायादारों को जो राहत दी गई है उसका फायदा लगभग 1 करोड़ लोगों को मिलेगा। बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी की वजह से व्यापारियों और उद्योगों का बोझ कम हो गया है। जीएसटी कलेक्शन लगभग डबल हो गया है। इससे राज्यों को भी फायदा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 2022 से 23 तक का जीएसटी कंपेंसेशन भी राज्यों को दे दिया गया है। जीएसटी के मामले में सबसे ज्यादा लाभ ग्राहकों को मिला है। लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टैक्स कम हुआ है। ऐसे में कीमतों में भी कमी आई है। इस बजट में भले ही सैलरीड क्लास को कोई तोहफा नहीं मिला लेकिन एक राहत जरूर मिली है। 2009-10 तक जिन लोगों को टैक्स बाकी है या फिर वसूली की नोटिस दी गई है उनको 25,000 रुपए तक की राहत मिलेगी। इसके अलावा 2014-2015 तक के मामलों पर 10,000 रुपए तक की राहत मिलेगी। ऐसे में जो लोग देनदारी को लेकर इनकम टैक्स के मुकदमों में फंसे थे उनको राहत मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की है। इनकम टैक्स स्लैब वही बना रहा। वित्त मंत्री ने इस बजट में कहा है कि जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाएगा और इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। वहीं मिडिल क्लास के लिए सरकार एक अलग आवास योजना लेकर आएगी। सरकार डेयरी किसानों के समर्थन के लिए योजना बनाएगी। इसके अलावा झुग्गी बस्तियों चौल में रहने वाले लोगों के लिए आवास योजना लाई जाएगी।